आज हम बात करेंगे बालविधि का सेकंड प्रोमो आपको किस डेट को देखने को मिल सकता है, सब कुछ आजकल में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए और हमारे टीलाइट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आने वाले जो अपडेट्स होंगे आप लोग इस चैनल पे मिला करेंगी। फैंस देवजीत का फर्स्ट लुक बालविधि में देखना चाहते हैं एंड मेकर्स इस बार कॉस्ट्यूम भी धासु डिजाइन कर रहे हैं और फैंस लगातार इंतजार कर रहे बालविधि 3 का। एंड सोनी सब भी बालविधि को जल्दी स्टार्ट करना चाहता है एंड फैंस भी इसी का वेट कर रहे हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके बालविधि देखने को मिल सके। एंड फ्रेंड्स अभी सिर्फ बालविधि के दूसरे प्रोमो का काम चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाली है, वो सब कुछ बताते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे कि बालविधि के नए सीजन का क्या नाम होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ बालविधि का नाम बालविधि 3 ही होने वाला है जो आपको बालविधि के नए सीजन में देखने को मिलने वाला है। वैसे नाम के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली, फैंस की तरफ से लगातार ये कमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि पूछ रहे कि रानी परी होंगी या फिर नहीं। तो देखिए वो हमें बालविधि के सीजन 1 में नजर आ चुकी है एंड मेकर्स बालविधि रिटर्न्स में उन्हें नहीं लाया गया था और फैंस अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि बालविधि में हमें रानी परी देखने को मिल सके। तो इस बार रानी परी आपको देखने को मिल भी सकती है, वो होगा सिर्फ आप लोग के डिमांड पर। जरा आप बालविधि सीजन 3 की जिस प्रकार से आपने डिमांड की थी उसी प्रकार से आप रानी परी के लिए भी डिमांड कर सकते हो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि बालविधि 3 में हमें रानी परी जरूर देखने को मिलने वाली है और फैंस ये जर देखने को मिल जाती है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज हो सकती है। एंड मेकर्स अब नए एक्ट्रेस को लाएंगे नई परियों के रूप में, क्योंकि सभी परियां बालविधि रिटर्न्स में चेंज हो गई थी। इस बार भी नई परियां आपको बालविधि के सीजन 3 में देखने को मिलने वाली है और इसका कुछ अलग ट्रैक होने वाला है जो आपको काफ़ी अलग देखने को मिलने वाला है। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सैड बात हो क्योंकि नई परियां आपको देखने को मिलने वाली है। एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वैसे हमने बालविधि रिटर्न्स में और बालवीर के जितने भी सीजन आए हैं उसमें ये चीज़ तो देखिए, काल लोक, वीर लोक, परी लोक और इतने सारे काल लोक तो देख लिए, लेकिन इस बार कौन सा हमें लोक देखने को मिलेगा? तो देखिए इस बार हमें नया लोक देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए सब कुछ नया होने वाला है तो सब कुछ हमें लोक भी नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए सभी के नाम अलग अलग है और अभी भी कुछ नया देखने को मिल सकता है क्योंकि बालविधि का कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग लेवल पर होने वाला है। अभी फिलहाल मेकर तो यही सोच रहे कि अभी क्या क्या लेकर आना चाहिए और क्या नहीं लेकर आना चाहिए और सेकंड प्रो में भी हमें नया लोग देखने को मिल जाएगा और जल्दी ही सोनी सब बालविधि को स्टार्ट करने वाला है। बालविधि 3 एक ऐसा शो बनेगा जो सब लोग एक ही बात करेंगे कि क्या बना दिया है, मतलब कि बालविधि बवाल होने वाला है जो सबके मुँह को फाड़ देने वाला है। अब बात करते हैं कि बालविधि का सेकंड प्रोमो आपको किस डेट को देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि बालविधि का प्रोमो हमें स्पेशल दिन पे देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें रिपब्लिक दिन पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर शोज के प्रोमो बर्थडे के दिन या स्पेशल दिन के दिन लाए जाते हैं जिससे कि फैंस की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फैंस भी इसी दिन पर देखना चाहते हैं। तो देखिए ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए सोनी सब की हर बार देखिए तो सरप्राइज देने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि स्पेशल दिन पे बालविधि का सेकंड प्रोमो लाया जाए। तो आप जर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, बालविधि का प्रोमो हमें दूसरा प्रोमो जनवरी में ही देखने को मिलने वाला है जो फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड दूसरे प्रोमो को देखने के लिए? वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जरा आज करो आपको पसंद आया तो पसंद को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टीलाइट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आने वाले जो अपडेट्स होंगे आप लोग इस चैनल पे मिला करेंगी। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।